आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। साक्षात मंचा सिंह जिनके चरणों में जल फरंदे अगम निर्वपामती नमो सुगुरवर नमो सुगुरदार के धवल मंगल गाने रवाकल इन गए गुरु माता में ओम रिम परम पूजे आर का पदम नंदनी माता साक्षात मंचा सिंह जिनके चरणों में अगम निर्वपामती पूरे जमुना पार्क के अंदर ऐसी प्रतिमाएं कहीं पर नहीं है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पंचकराने प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर अपना तन मन और धन सब कुछ अर्पण कर इस पंचकराने प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाएं। आपका सब आना यहाँ पर हमारे लिए अभाग्य होगा। आ रहे हैं पिता नाभी राय और माता जी का आशीर्वाद देते हुए सभी इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरुदेव के चरणों में और माता जी के चरणों में बार बार प्रेवर महोत्सव करते हुए बदनामी करते हुए दुनिया को जो मिला है उनके मुकद्दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है उनके मुकद्दर से मिला है। ऐसे नहीं देखो कैमरे वाले हमारे बीच में हैं। भैया कैमरे वाले ध्यान रखना जो तो हाथ ऊपर करें उनकी लेना रंगीन बाकी सबकी ब्लैक आनी चाहिए बाइट। ताली बजा दो। गुरु भर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरु भर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ताली बजा दो। मैंने तुम्हें पहचान लिया
तुम हो बड़े दयालु गुरु, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। किसको साथ मिलेगा जो हाथ करेंगे ऊपर, ऐसे हाथ कीजिए और ताली बजा के कहना, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म। जयकारा
परिवार वाले नृत्य नहीं कर रहे, तुम्हारे नृत्य करेंगे तभी है। कोई दिल की नजर से न देखे अधूरे बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी सबसे ही प्यारी, बड़ी प्यारी सबसे ही नारी। कोई दिल की नजर से न देखे अधूरे बड़ी प्यारी है। Thank you.
माता को सजा आज माता को यहाँ पर विमान है, महिला मंडल भी उस्मानपुर के यहाँ पर विमान है। हम सभी का गौतमपुरी जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अब हम माता जी से विनती करेंगे कि अपने मुखारविंद से हम सभी लोग जिस जिसने तिलक कर दिया है अपने हमारे छोटे छोटे बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लक्ष्मी देखी नाग युगल से नवन सने ऐसे
Oh.
जगभिमान रतनमय भेजत सुर अनुराग घने तेरम स्वर्ग विमान रतनमय भेजत सुर अनुराग घने चौदम नाग भवन भू उठता देखा कांति अपार जने चौदम नाग भवन भू उठता देखा कांति अपार जने ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे अचरज हो अपनी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे, एक बार उनका उच्चारण हम करेंगे पुनः आप। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय हो।
1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की जय हो। मुनि श्री हनुमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। 3 कम 9 कोटि मुनि राजो की जय हो। हरे कम परम नंदी माता जी की माँ शब्द विश्वव्यापी है, चाहे धरती माँ हो, चाहे भारत माँ हो, चाहे जिनवाणी माँ हो, चाहे गुरु माँ हो। वास्तव में ये छोटा सा शब्द जो माँ शब्द है, यदि आप परमात्मा में देखें तो माँ का समावेश किया गया है। यदि आत्मा शब्द देखें तो उसमें भी माँ शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि मोक्ष में भी देखें तो बिना माँ के शायद मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। और आदिनाथ भगवान, वह धन्य है माँ, वह धन्य है पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया ही है और साथ में विश्व के प्रत्येक जीव को मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया है। ऐसी वह माँ जिन्होंने पुत्र को जन्म दिया, वह कौन सी माँ है? माँ मरु देवी। और पिता, आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही है, नाभि राय जी जिन्होंने 16 सपनों को देखा और जानने की जिज्ञासा की कि हमारे इस आंगन में, इस अयोध्यापुरी में, इस भारत में कौन से पुत्र का जन्म होने वाला है जो संसार का रुलाने वाले हैं, संसार को कि संसार छुड़ाने वाले हैं, कि संसार में आत्मकल्याण का रास्ता बताने वाले हैं, कौन से पुत्र को जन्म देने वाली है वह माँ? आदिनाथ भगवान को, जिन्होंने अशी मशी कृषि वाणिज्य सभी हमें वह रास्ते दिखाए हैं कि जिससे जीव संसार मार्ग पर चलने के बाद निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। वह पूरा परिवार, चाहे आदिनाथ, माता मरुदेवी, नाभि राय, ब्राह्मी सुंदरी, भरत बाहुबली, जो भी हैं, सारा का सारा परिवार कैसा परिवार था? मोक्ष के रास्ते पर चलने वाला, आत्मा की ओर दृष्टि करने वाला, क्योंकि आदिनाथ भगवान जानते थे कि ये संसार का प्रत्येक जीव स्वार्थी है, ये परिवार के रिश्ते नाते स्वार्थी हैं। उन्हें कोई वैभव की कमी थी क्या? राजपाट उनके पास था कि नहीं था? लेकिन संसार की असारता को जान लिया कि इस संसार में सुख नहीं, मात्र सुखावास है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन दर्पण के अंदर प्रतिबिंब होता है क्या? वैसे ही संसार में सुख नहीं, मात्र सुखावास है। और उस पगडंडियों पर चल पड़े जो हमारी निजी की पूंजी थी, जो हमारी निधि थी, सब कुछ छोड़ करके उस अवस्था की ओर बढ़ पड़े। वह संस्कार किसके थे? उस माँ के दिए हुए संस्कार थे, जिस माँ ने उन बालक को जन्म दिया और जिस बालक ने संसार के प्रत्येक जीव को कल्याण मार्ग का रास्ता दिखा दिया। ऐसे आदिनाथ भगवान ने जान लिया, संसार में मुझे नहीं रहना है, क्योंकि अनादिकाल से यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, कभी नरक गति में, कभी त्रयंच गति में, कभी देव गति में। और जब तीव्र पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति प्राप्त हो गई और उसमें भी जैन कुल प्राप्त हो गया, तो निश्चित ही मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जाना था। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि संसार का जीव स्वार्थी है, नहीं जानते? लेकिन अभी आपने दृश्य देखा कि वह संसारी प्राणी जो संसार से विरक्त होकर के, संसार के रिश्ते नातों को छोड़ करके, मोह के बंधनों को तोड़ करके अपने रास्ता पर चलने वाले हैं, जो माँ होती है वह कितने भवतारी होती है? सीधा कहाँ जाना है? मोक्ष। स्त्री पर्याय का छेदन
करके सीधे मोक्ष अवस्था की प्राप्ति कर लेती है वह ऐसी माँ मरु देवी जिस पुत्र को जन्म देने के लिए ललायत है कि मेरी कोख से वह आदिनाथ भगवान का जन्म होने वाला है और वह दृश्य कहाँ देखने वाला है इस पांडुकशिला की धरोहर पर पांडुकशिला की धरा पर कितनी तारीख से 2 से 7 क्योंकि मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जिन मंदिर जिसकी प्रतिमा 11.5 फुट 9.25 फुट की पद्म प्रभु जी 9.25 फुट की बालसपूज भगवान की ऐसी 9 प्रतिमाएं 3 बड़ी शेष छोटी प्रतिमाएं 2 से 7 आचार्य भगवान बसुनंदी जी मुनि महाराज के सत्संग के सानिध्य में यह पंचकल्याणक होने जा रहा है जिसकी शुरुआत कब से हो गई आज से क्योंकि माता की गोद भर गई अब समझ लेना कि माता पुत्र को जन्म देने वाली है और पहले से क्या हो जाते हैं रत्नों की वर्षा मंगल गीत मंगल गान और वह नगरी ऐसी दुल्हन की तरह सजाई जाती है कि जहां तीनों लोगों के नाथों को जन्म लेना है जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उस वक्त नरक में भी कुछ क्षण के लिए क्या हो जाता है शांति मिल जाती है। उससे पहले 6 महीने पहले क्या होता है रत्नों की वर्षा होने लगती है। ऐसे आदिनाथ भगवान को जन्म लेना है और उसके बाद वह भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने वाले रास्ते पर चलेंगे क्योंकि संसार में सुख नहीं है। सुना भी होगा आपने यदि होता ये सुख जो जहां में तीर्थंकर क्यों मुख मोड़ लेते राजी ऊंचे इस संसार के रिश्ते नातों को कैसे छोड़ देते क्योंकि उन्होंने जान लिया था उन्होंने अंदर से समझ लिया था कि संसार का जीव स्वार्थी है और रास्ते पर चल पड़े उस अपनी निधि को प्राप्त करने के लिए तो 2 से 7 और समय भी बहुत अधिक होने वाला है। बहुत सारे कार्य भी हैं पूज्य मुनि श्री भी मंच पर विराजमान हैं उनकी अमृत वाणी को भी हमें सुनना है तो 2 से 7 पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस पांडुकशिला की धरोहर पर हो रहा है। कमेटी वाले तो आपसे प्रार्थना अभी करने वाले हैं मैंने कहा पहले 5 मिनट का समय हमारा उसके बाद कमेटी आपसे बताएगी कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ खाली क्या ये पांडुकशिला का ही पंचकल्याणक है क्या खाली गौतमपुरी समाज के द्वारा मंदिर बनाया गया है किसके द्वारा है और किस किस का है पूरी जमुना पार्क कि खाली उस्मानपुर कैथवाड़ा ब्रह्मपुरी शास्त्री नगर शास्त्री पार्क ज्योति नगर बल्लाम नगर अंकुर विहार सोनिया विहार करावर नगर शंकर नगर कृष्णा नगर शांति मोहल्ला धर्मपुरा रघुवरपुरा इधर का है कहाँ का है कि ग्रीन पार्क का 50 सेक्टर का मॉडर्न टाउन का पीतमपुरा का प्रशांत विहार का सरस्वती विहार का सुंदर विहार का उत्तम नगर का नगरी डेयरी का कहाँ का है कि पालम का है ऐ किसका है ये पूरी दिल्ली प्रदेश और आसपास जितनी भी समाजें हैं और जितनी भी नगर हैं सभी के सहयोग से यह क्या होगा क्योंकि जिन मंदिर किसी एक का होता है क्या सभी का होता है ना परमात्मा का मंदिर तो सभी का होता है क्योंकि सभी को परमात्मा बनना है तो यह पंचकल्याणक किसका है मैं तो यही कह दूं गौतमपुरी समाज को छोड़कर के सारी समाज का हुआ है ठीक है ना गौतमपुरी समाज को छोड़ दो इस पंचकल्याणक में बाकी जितनी आसपास की समाज है दिल्ली नगर में
और दिल्ली के आसपास जितनी भी हैं सभी के सहयोग से ये पंच कल्याणक होगा, क्योंकि गौतमपुरी के सारे पात्र बन गए है ना। इन्होंने अपनी पूर्व की भूमिका जो थी मंदिर निर्माण करने की या अन्य व्यवस्थाओं की, ये जिम्मेदारी इनने सारी की सारी कर दी। अब उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी समाज की बनती है? जब बेटी की शादी होती है तो माता पिता क्या करते हैं? सभी रिश्तेदारों को, परिवार पड़ोसियों को निमंत्रण देते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, अर्थात मेरी नहीं बेटी किसकी है। तो अब ये मुनि सुव्रतनाथ जिनालय किसका हुआ? सभी का हुआ, और सभी के सहयोग से ही पंचकल्याणक बहुत सुंदर और बहुत शांतिपूर्वक और आनंद के साथ होगा, यदि आप लोग मन में उत्कृष्ट भावना भाएं, विशुद्धि बढ़ाएं और विशुद्ध परिणाम रखें, तो निश्चित रूप से पंचकल्याणक एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा। क्योंकि यहाँ जो भी पात्र बने हैं, जिसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, अब मंच पर बैठे हुए माता पिता ही देखो, अभी यूं कहा जाए कि इनके तो भोगों के समय हैं, लेकिन संसार से विरक्त हो गए, संसार को जान लिया और स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए उस पद पर चल पड़े जो सबसे उत्कृष्ट पद होता है माता पिता का। यदि आप सौधर्मेंद्र को भी देखें, वह भी छोटी उम्र में सौधर्मेंद्र, कुबेरेंद्र, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, जितने भी पात्र बने हैं, लोकांतिक देव भी छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन बाहुबली, भरत चक्रवर्ती, जो भी शेष पात्र हैं सब युवा बने हुए हैं, वो भी कहाँ के? गौतमपुरी के। अब सारे के सारे पात्र बन जाएंगे तो जिम्मेदारी तो भाई आपको ही निभानी पड़ेगी। तो कितने लोग सहयोगी हैं इस पंचकल्याणक में साथ देने के लिए? भाई कैमरामैन कहाँ चले गए? हाँ देख लो, कभी ऐसा ना हो जाए कि अभी हाँ कह गए और पीछे आकर के फिर बात गड़बड़ हो जाए। तो कौन कौन सहयोगी इस पंचकल्याणक में? क्या बात है भाई, सभी के हाथ ऊपर नहीं है? ना रह जाए कि कहीं कोई इस पंचकल्याणक में सम्मिलित ना हो, गौतमपुरी वालों को व्यवस्था करने के लिए सोचना पड़े। आप लोग इतने लोग इकट्ठे होकर के आए कब से? अब तो यही बात कह दो, आज से मुझे जाना ही नहीं। पंचकल्याणक हो और मोक्ष कल्याणक मनाया जाए, उसके बाद की भूमिका आचार्य श्री बताएंगे कि क्या करना है। तो कितने लोग तैयार हैं? बस गौतमपुरी वाले के बाहर वाले? बहुत अच्छा है, सभी लोग के सहयोग से और सभी के भावों से ही जिन मंदिर का निर्माण होता है, यदि वास्तव में एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक करना है तो राग द्वेष की परिणति को, कसायों को एक साइड रख दीजिए और एक नवीन जिन मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें सभी लोग तन से और मन से, धन की बात मैं नहीं करती हूँ, यदि आपका तन और मन मिल गया तो समझ लेना पंचकल्याणक सार्थक हो गया। तो पूज्य गुरुदेव का प्रवेश पंचकल्याणक की घट यात्रा 2 तारीख से शेष विषय मंचासीन पर जो संचालक करता है भाई आपको भूमिका बताएंगे, अभी और भी कार्य है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज जी की। पूज्य श्री के प्रवचन से पहले एक सूचना कि कल राष्ट्रीय विचार मंथन मंच के द्वारा पिछले साल से उन्होंने एक बेड़ा उठाया था यहाँ पर कि गौतमपुरी के अंदर संत सम्मेलन प्रतिवर्ष हो, इसी कड़ी में कल राष्ट्रीय विचार मंथन मंच के द्वारा ना पहुंच पाए किसी आसपास की समाज में तो पत्रिका तो जाएगी जाएगी, और यदि साथ वह खुद ना पहुंच पाए तो इसमें कमी ना मान करके किसकी कमी मानी जाएगी? माता जी की कमी मान करके उसको भुला करके आप लोग सभी लोग पंचकल्याणक में सम्मिलित होंगे। वैसे हम सभी से प्रयास कर रहे हैं गर्गति विकांतम वंदे शुभंदम महताम ऋषंदम जिनम जिताश्वांत कषाय बंदम। देवाधिदेव चंद्र प्रभु भगवान की
शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3.9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आर्य पदम नंदी माता जी की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि जो धर्म कार्य में हमें लगने का अवसर मिलता है, पर आज माता जी ने पंच कल्याणक का जो प्रारंभ किया है कि आज माता पिता की खोल भराई का कार्यक्रम, लेकिन आज चौथ है और चौथ रिक्ता तिथि होती है और रिक्ता तिथि में कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन चौथ नौमी चतुर्दशी दिन पड़े शनिवार एक काम के साधते हैं शस्त्र काम सज जाएं। यदि चौथ नौमी चतुर्दशी हो, ये रिक्ता तिथि है, लेकिन यदि उस दिन शनिवार पड़ता है तो सर्वार सिद्धि योग बनता है और आप एक काम करो हजारों काम बन जाएंगे। यानी समझ लीजिए, आप पंच कल्याणक का जो कार्य है एक काम के साथ, अब आप अनुमान नहीं लगा सकते। आज आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हनुमान सागर जी महाराज आए। ऐसे ही पंच कल्याणक में हर कार्य जो है, आप उस कार्य में अनुमान नहीं लगा पाओगे कि कितने कितने उसमें कार्य हो जाएंगे, और शायद तप कल्याणक दिन कहीं आपके यहाँ दीक्षा भी नहीं हो जाए। बंधु, तीर्थंकर की मां बनना ये बहुत सौभाग्यशाली महिला का कार्य है, हर कोई नहीं बन सकता। जिस माँ ने अपने जीवन में कभी गर्भपात नहीं कराया है, जिस महिला ने हर बच्चे को अपने बच्चे के समान समझा है, वही तीर्थंकर की माँ बन सकती है। और आज यहाँ पंच कल्याणक के माध्यम से माँ बनी है तीर्थंकर की, वह एक दिन जो है हकीकत से अपने गर्भ से किसी ऐसे तीर्थंकर बालक को भी जन्म देगी। नारी के आचार्य भगवान ने कहीं प्रशंसा नहीं की, नारी ऐसी है, नारी ऐसी है, लेकिन मांतुम स्वामी ने नारी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि 100-100 नारी 100-100 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ जैसे बालक को जन्म देने वाली एक मरु देवी है। इसीलिए कहा गया है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से ही जन्मे है तीर्थंकर भगवान। नारी की शक्ति को नर ने ना पहचान पाई है, मंदिर में मीरा तो रण में लक्ष्मीबाई है, ज्ञान क्षेत्र में है ज्ञानमती, नारी की कला निराली है और नारी के ही कारण ये धरती गौरवशाली है। नारी के अंदर कितने गुण हैं? अच्छा बताओ महाराज के कितने मूल गुण हैं? कितने? 28। और नारी के कितने हैं? नहीं पता। महाराज की ध्यान है पर अपनी ध्यान नहीं है। नारी के अंदर 3 गुण हैं। पहला मंगलाचरण, कोई भी मांगलिक क्रिया होती है वह नारी के द्वारा ही होती है। अभी यहाँ मंगलाचरण हुआ, वह भी नारी के द्वारा। दूसरा, भोजन अच्छा बनाती है, और तीसरा पुत्र उत्पत्ति। ये 3 गुण जो है नारी में है। इसीलिए कहा है
ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमा कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। गर्भाधान की 53 क्रियाएं हैं। जब बालक गर्भ में आता है तो वहीं से क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जब बालक के आने से पहले माँ के पास अष्ट कुमारियाँ 56 कुमारियाँ, वह सारा पूरा वहाँ पर गर्भ का शोधन, भूमि आदि का, स्थान का और एक एक पल का ध्यान रखा जाता है। आजकल बालक गर्भ में आता है, महिलाएं व्हाट्सएप मोबाइल चला रही हैं। वही संस्कार जो है गर्भ से पढ़ते हैं। पहले माह में गर्भाधान की क्रिया होती है, तीसरे माह में, पांचवे माह में, सातवें माह में, नौवे माह में, यदि क्रम से ये क्रियाएं हो जाएं तो कभी ऑपरेशन आदि की जरूरत नहीं पड़े। वह बालक एक नॉर्मल तरीके से उत्पन्न हो। खाने पीने का ध्यान यदि गर्भ के समय महिला भोजन आदि का, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है तो जीका वायरस जैसी अन्य बीमारियां हो जाती हैं। बालक अल्प बुद्धि उत्पन्न होते हैं, विकृत बालक पैदा हो जाते हैं। गर्भ की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस प्रकार से अभिमन्यु गर्भ में था और उस समय ही गर्भ में ही वह चक्रव्यूह की संस्कार जो है वह कथा उसने उसमें ही सुन ली और निकलने की नहीं सुन पाई, तो इसीलिए वो वहाँ से निकल नहीं पाया। इसलिए गर्भ के समय घर में हम कमरे में फोटो लगाते हैं, कुत्ता बिल्ली आदि, उस समय तीर्थंकर भगवान के फोटो, मुनिराज के फोटो और पूजन आदि करना प्रति समय। जब गर्भ में बालक हो उस समय आदिनाथ भगवान की जाप करना, आदिनाथ भगवान की पूजन करना। देखिए तब, क्योंकि माँ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हम आज समय तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी भावना हम कर सकते हैं कि अपने गर्भ से किसी संत का जन्म हो। आज के ही संत कल के अरिहंत होंगे। जब तक हम संस्कारों को नहीं देंगे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर आदि बने, लेकिन कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुनि बन जाए। ये जैन कुल किस लिए मिला है? ये जैन कुल इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं मिला है, ये जैन कुल भगवान बनने के लिए बना है। इसीलिए हमें ऐसी भावना भानी चाहिए, जब जब भी संतों का समागम हो हमें नियम व्रत लेकर और ये भावना भानी चाहिए कि भगवान जब भी मरण हो तो हमारे हाथ में पीछी संयम की पीछी हो और संतों के चरणों में मरण हो, तब हमारा जैन कुल पाना प्राप्त सार्थक हो जाएगा। ये गर्व कितने कल्याणक होते हैं? यदि पांच में से दो कल्याणक हटा दिए जाए तो कितने बचेंगे? यदि गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं हो तो क्या होगा? है? बिना गर्भ के और जन्म के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कल्याणक जो है वह दो कल्याणक, पहले जन्म और गर्भ कल्याणक है। और गर्भ में जब बालक आता है, संस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद जन्म होता है, सची इंद्राणी उस बालक को ले जाती है, सौधर्म में इंद्र को देती है। देखिए
उस तीर्थंकर बालक को हाथ में आते ही वह एक भवतारी हो जाती है। कितना सौभाग्य है कि तीर्थंकर बालक को मां से पहले वह सची इंद्राणी स्पर्श करती है और ले जाकर आपके यहां पर पांडुक शिला बनी है। पांडुक शिला पर स्नान जन्म अभिषेक होता है और वहीं पर उसका नामकरण किया जाता है। जब बालक का नामकरण, आजकल नामकरण टीवी पे कौन सा अच्छा आ रहा है, हम लोग नामकरण कर देते हैं। किसी का नाम अमरचंद है पड़े खाट पे, किसी का नाम वंदना है मंदिर एक भी दिन नहीं आना, किसी का नाम अभिषेक है पर अभिषेक नहीं करना। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीर्थंकर भगवान के जो नाम रखे जाते हैं वह कोई ऐसे वैसे नाम नहीं। आदि पुराण में नाम रखने की विधि दी है कि एक घड़े के अंदर 1008 नामों की चिट डालना, दूसरे घड़े के अंदर जितने भी जिस नक्षत्र तीर्थ तिथि बार आदि में हुआ है वह पर्ची और 107 पर्ची खाली, जिसके साथ वह पर्ची निकलती है और इधर नाम की पर्ची निकलती है, तब बच्चे का नामकरण किया जाता है। कई लोग अपने टिल्लू पिल्लू बुलाते रहते हैं। तीर्थंकर भगवान का नाम कि आप युग की आदि में हुए हो इसीलिए आपको आदि कहा जाता है, आपने अंतरंग वैरंग शत्रु को जीत लिया है इसीलिए आप अजित हो, आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है इसीलिए संभव हो, आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है इसीलिए आप अभिनंदन हो, आपके चरणों में कुमति भी आता है उसकी सुमति हो जाती है इसीलिए आप सुमति हो, आप सबके हृदय कमल आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है इसीलिए आप पद्म हो, आपके चरणों में लोहा भी आता है वह सोना हो जाता है इसीलिए आप सुपार्श हो, आपके चरणों में आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो इसीलिए आप चंद्र हो, आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो, आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है इसीलिए आप शीतल हो, श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है इसीलिए आप श्रेयांश हो, आपके चरणों में जो भी आता है इसीलिए आप वासुपूज हो, आपके आप कर्म मल से रहित तो हो इसीलिए आप विमल हो, आपके गुण अनंत हैं इसीलिए आप अनंत हो, आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है इसीलिए आप धर्म हो, और आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है इसीलिए आप शांति हो, कुंतु यानी छोटा, आपके चरणों में छोटे से छोटा जीव भी आता है उसका कल्याण हो जाता है इसीलिए आप कुंत हो, आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो इसीलिए आप अरे हो, आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है इसीलिए आप मल्ली हो, आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो, तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं इसीलिए आप नमी हो, और तीनों लोकों में आप एक हो इसीलिए आप नेमी हो, पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका भी कल्याण हो जाता है इसीलिए आप पार्श हो, और वीरों में वीर आप महावीर हो। एक एक नाम की जो है सार्थकता होती है, यह जो आज क्रिया हो रही है, जिन महिलाओं को कोई बालक नहीं है, अपने गर्भ से किसी बालक को अभी तक जन्म नहीं दिया है, वह माँ की खोल जरूर भरे, और निश्चित ही ये मत सोचो कि कितना समय हो गया क्या हो गया, उसकी गर्भ से निश्चित ही किसी बालक का जन्म होगा। ये क्रिया ऐसी क्रियाएं नहीं है, इन क्रियाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैन धर्म में जो भी क्रियाएं आदि हैं वह क्रियाएं प्रैक्टिकल रूप हैं,
आप करके देखो और आपके कैसे भी कर्म का पाप कर्मोदय में हो, लेकिन आप धर्म कार्य करो, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। किसी ने कहा है कि जैनी है तो दुखी नहीं, दुखी है तो जैनी नहीं। तो बंधुओं, आज बहुत बड़ा ये कार्य है और इस कार्य में हमें सबको माता जी ने कहा कि ये पंचकल्याणक तो तीर्थंकर का है और परमेष्टि किसी एक के नहीं होते हैं, परमेष्टि सबके होते हैं। और जो परमेष्टि की शरण में जाता है उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं होती है। तो यदि हमें अपने एक बात बताओ कि आप किसके घर जाते हो जिससे आपका परिचय होता है, जिससे आपका स्नेह होता है, आप उसके घर जाते हो, जिससे आपका स्नेह होता है उसके घर जाते हो क्या? नहीं जाते। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ना स्नेहा चरणम प्रयांति भगवान पादा द्वयम तय प्रजा हेतु तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराइंड वहां। कि प्रजा यानी जीव पादा द्वयम दोनों चरणों में ना स्नेहा भगवान, किसी को भी आपसे स्नेह नहीं है, फिर इतनी भीड़ क्यों आते हैं आपके पास? हेतु तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराइंडवा, संसार रूपी समुद्र में हेतु यानी कारण, विचित्र यानी अनेक प्रकार के दुख होने के कारण यह जीव आपकी शरण में आता है, पर यहां आकर मिलता क्या है? अत्यंत स्पुर दुर्ग रश्म निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्द्र पाद सलिल छायानुरागम रवि। रवि यानी सूरज, ग्रीष्मा यानी गर्मी के महीने में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो व्यक्ति अत्यंत स्पुर बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। छायानुरागम, छाया से अनुराग करता है और छाया में उसे शांति मिलती है। ऐसे ही कि जो शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी, शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी, शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी, जब जब भी शांति मिलेगी तो शांतिनाथ के चरणों में मिलेगी। तो जो इस पंच कल्याणक में आएगा उसके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। बोलो महावीर भगवान की जय हो। समय का ध्यान रखते हुए आगे गोद भराई का और श्रीमान अंकुर जैन जी कैलाश नगर से, श्रीमान अंकुर जैन जी कैलाश नगर से वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। लाला जी माला स्वागत कर दो का हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिन्होंने कल यहाँ पे घोषणा की है कि पांडुकला के ऊपर स्टील की जो छतरी बनेगी वो श्रीमान कैलाश चंद अनिल कुमार जैन परिवार की तरफ से बनेगी, बहुत ही सुंदर छतरी वो बनवाने जा रहे हैं यहाँ पर। हम स्वागत करते हैं श्रीमान अरविंद जैन विवेक यार, टोनी जैन, दीपक जैन, दीपक खोजरी, श्रीमान नरेश चंद जी जैन रोहिणी, लाला नरेश चंद जी जैन रोहिणी, जिन्होंने मुख्य शिखर की ध्वजा प्रदान, श्रीमान रमेश जी जैन शास्त्री, रमेश जी जो हमें हर कार्य के अंदर अपना मार्गदर्शन देते हैं, श्री रमेश जी जैन शास्त्री। एक मिनट भैया सोद्रम जी, एक मिनट सोद्रम, देखिए एक एक इंद्र को बुलाया जाएगा पहले, उसके पश्चात देखिए एक मिनट बहन जी हाथ धुलवा लीजिए, आठ इंद्र के बाद आप लोग जैसे मर्जी करिए। मैंने हाथ जोड़ कर ही कह रहा हूँ, महायज्ञनायक, महायज्ञनायक दीपक जैन परिवार, आ जाओ जल्दी, पता आपको जल्दी है पर दो मिनट रुक जाइए, महायज्ञनायक यज्ञनायक परिवार, यज्ञनायक परिवार,
उस्मानपुर महिला मंडल हमारे बीच है, पधारे हुए हैं। हम उस्मानपुर महिला मंडल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आए और माता की गोद बधाई करें। उस्मानपुर महिला मंडल थोड़ा इसलिए कमजोर है। जल्दी करो जल्दी। हाँ सुनो,
अरविंद लोग जल्दी करो जल्दी अंकल जरा इधर देखना जब इनकी भी देखे जोड़े से आ गए इनका भी ध्यान देखियो जोड़े वाले आ गए भैया कंधे पे रह रहे थे काम खत्म आ रही है मई आ रही है फोटो आ रही है चिंता मत आ जाओ आराम से आ जाओ हाँ गिर मत पड़ना आ जाओ आंटी थोड़ा जल्दी करो जल्दी आयो थोड़ा जल्दी करके देख के आराम से हाँ ये देखो कैमरे में नहीं नाम पूछ रहा है ये मुस्कुराओ मुस्कुराओ फ्लैश मार और आगे घर फ्लैश मार आगे
तो ठीक से आशीर्वाद लो जरा। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।